टाटा सन्स ने एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीएलएटी ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री के हटाने को अवैध ठहराते हुए उन्हें दोबारा चेयरमैन बनाने को कहा था। एनसीएलएटी के इस फैसले के खिलाफ टाटा सन्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर के अपने आदेश में एन चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के प्रबंधन के निर्णय को भी अवैध ठहराया था। ट्रिब्यूनल ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री के हटाने को अवैध ठहरा दिया और उन्हें इस पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। इसके पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने साइरस मिस्त्री को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। ये याचिकाएं दो निवेश फर्मों साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प के द्वारा दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। वो टाटा सन्स के छठे चेयरमैन थे। रतन टाटा के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद वो साल 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ गोपाल कृष्ण, हमारे विधि संवाददाता। गोपाल, टाटा सन्स की ओर से जो ये पूरा मामला आया है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, एनसीएलएटी ने इस मामले में जो फैसला उसमें देते हुए कहा था कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर सन्स को नियुक्त किया जाए, मिस्त्री साइरस मिस्त्री को नियुक्त किया जाए, जिसके खिलाफ टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि एनसीएलएटी के जो यह फैसला है वह गलत है, क्योंकि सारे नियमों के आधार पर साइरस मिस्त्री को पद से हटाया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे थे, दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे और उसकी जांच हुई थी। जांच के बाद यह फैसला लिया गया था कंपनी द्वारा, इसलिए ट्रिब्यूनल का यह फैसला गलत है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द करे और जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि दोबारा नियुक्ति करे, उस पर भी रोक लगाए। साथ ही जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या इस पर कुछ संकेत दिए गए हैं, किस याचिका को स्वीकार किया जाता है और कब इसकी सुनवाई होगी? देखिए पंकज जी, चूंकि आज रजिस्ट्री खुली है तो आज ही दाखिल की गई है याचिका। याचिका में कहा गया है कि बहुत अर्जेंसी है, तुरंत इस पर सुनवाई किया जाए, क्योंकि एनसीएलएटी ने साफ कर दिया है कि इनको तुरंत बहाल किया जाए साइरस मिस्त्री को, इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्द होनी चाहिए। रजिस्ट्री ने कहा है कि जब बेंच बैठेगी तब सुनवाई होगी, यानी कि जब 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा उस दिन उम्मीद है कि इस मामले में सुनवाई हो। बहुत शुक्रिया गोपाल इस सारी जानकारी के लिए।